सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बीरू के प्रेडिक्शन। गाइस कैसे हो आप? उम्मीद है कि बहुत अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं तमिलनाडु प्रीमियर लीग 2023 के 2020 मैच के बारे में। दोस्तों, से मैच होने वाला है नेलाई रॉयल किंग्स और आई टीम त्रिपुरी के बीच में। दोस्तों, अगर मैच की पूरी अपडेट चाहिए तो वीडियो के लास्ट तक बने रहें। और आगे बढ़ने से पहले, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करते चले ताकि हर वीडियो की जानकारी आपको पूरी मिलती रहे। तो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले हमारे स्क्रीन पर हमारा व्हाट्सअप नंबर दिया हुआ है, तो आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, जिससे आपको टॉस मैच सेशन की पूरी जानकारी दी जाएगी। और हमारी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी हमारा नंबर मेंशन किया हुआ है। तो अब आगे बढ़ते हैं, चलते हैं मैच की ओर। ये मैच होने वाला है 20 जून को इंडिया टाइम के अकॉर्डिंग शाम के 7:15 पर यह मैच स्टार्ट होगी। यह मैच खेली जाएगी NPR कॉलेज ग्राउंड डिंडेगुल इंडिया में। अब बात करते हैं फ्रेंड दोनों टीमों का टीम फॉर्म चेक करते हैं। रिसेंटली 5 मैच में दोनों टीमों का परफॉर्मेंस क्या देखने को मिला। तो वहीं अगर पहली टीम ने नेलाई रॉयल किंग्स की बात की जाए तो जहां 5 मैच में से 3 मैच हार के आ रही है, तो वहीं 2 मैच जीत के आ रही है। अगर वहीं दूसरी टीम आई ड्रीम त्रिपुर की बात की जाए तो आई ड्रीम त्रिपुर 5 मैच में से 4 मैच हार के आ रही है और 1 मैच जीत के आ रही है। अगर टीम फॉर्म के अकॉर्डिंग बात करें तो यहाँ पर नेलाई रॉयल किंग्स 1 मैच से आगे चल रही है आई ड्रीम त्रिपुर से। वहीं अगर बात करें दोनों टीमों का हेड टू हेड चेक करें लास्ट 10 मैचेज में, तो जहां पर नेलाई रॉयल किंग्स 2 मैच जीत के आ रही है, तो वहीं आई ड्रीम त्रिपुर भी 2 मैच जीत के आ रही है। तो हेड टू हेड में देख सकते हैं कि दोनों इक्वली मैच जीत के आ रही है। अब आगे बढ़ते हैं फ्रेंड, ज़्यादा देर न करते हैं, दोनों टीमों का टीम कंपटीशन करते हैं। लास्ट 10 मैचेज में क्या क्या एक्सपेक्टेशन देखने को मिल सकते हैं। तो पहली कंपटीशन विनिंग परसेंटेज की बात की जाए तो जहां पर नेलाई रॉयल किंग्स का 70% देखने को मिल रहा है, तो यहीं आई टीम त्रिपुर का 30% देखने को मिल रहा है। अगर अवे स्कोर की बात की जाए तो जहां पर नेलाई रॉयल किंग्स का 168 है, तो यहीं आई टीम त्रिपुर का 128 है। हाईएस्ट स्कोर की बात की जाए तो जहां पर नेलाई रॉयल किंग्स का 236 है, तो यहीं आई टीम त्रिपुर का 158 है। लोएस्ट स्कोर की बात की जाए तो नेलाई रॉयल किंग्स का 121 है, तो यहीं आई टीम त्रिपुर का 73 है। तो ये दोनों टीमों का टीम कंपेरिजन अगर इसके अकॉर्डिंग बात की जाए तो यहाँ पर कंपेरिजन के मामले में नेलाई रॉयल किंग्स की परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छी देखने को मिल रही है। अब आगे बढ़ते हैं फिर चलते हैं वेदर की ओर। आज का मैच वेदर कैसी रहेगी? तो मौसम थोड़ी सी ख़राब हो सकती है, थोड़े से बादल हो सकते हैं मौसम में। अगर सेल्सियस की बात की जाए तो जहाँ पे 26.1 डिग्री सेल्सियस होगी, अगर ह्यूमिडिटी देखें तो 67% रहेगी, वहीं 42% वर्षा होने की चांसेस रहेगी। तो ये रहे आज के मैच के वेदर की रिपोर्ट। बढ़ते हैं, चलते हैं पिच की ओर। आज का मैच इस पिच पे कैसा होने वाला था? इस पिच पे अभी तक टोटल 58 मैच खेले गए, जो हर एक मैच काफ़ी ज़बरदस्त देखने को मिली है। अगर इस पिच का फर्स्ट इनिंग का एवरेज स्कोर की बात की जाए तो फर्स्ट इनिंग में 152-155 रन जा सकते हैं। वहीं अगर सेकेंड इनिंग की बात करें तो सेकेंड इनिंग में भी उतना ही रन लग सकती है। अगर इस पिच की सरफेस की बात की जाए तो जो भी टीम अगर टॉस जीत के बैटिंग करती है तो वो भी मैच जीत सकती है, या जो भी टीम टॉस जीत के बॉलिंग करे वो भी मैच जीत सकती है। क्योंकि इस पिच पर अभी तक जितने भी मैच देखे गए हैं, अधिकतर मैच डिफेंड में भी टीम जीती है और चेस में भी जीती है। जो भी टीम स्ट्रांग है वो इस पिच पर मैच जीत सकती है। तो काफ़ी अच्छे मैच हो रहे हैं इस पिच पर, उम्मीद है कि ये भी मैच काफ़ी इंटरेस्टिंग हो। तब आगे बढ़ते हैं, चलते हैं दोनों टीमों का टीम परफॉर्मेंस देखते हैं। तो पहली टीम नेलाई रॉयल किंग्स की बात की जाए तो नो डाउट काफ़ी ज़बरदस्त टीम है। बैटिंग और बॉलिंग दोनों का कम्बिनेशन ज़बरदस्त देखने को मिल रहा है। अगर वहीं पिछली मैच की बात करें तो पिछला अपना दोनों मैच जीत के आ रही है। अगर वहीं दूसरी टीम आई ड्रीम त्रिपुर की बात करें, नो डाउट ये भी टीम अच्छी है, बट यहाँ पे आई ड्रीम त्रिपुर को अपना बैटिंग और बॉलिंग दोनों सुधारने की ज़रूरत है। क्योंकि अगर पिछली मैच की रिकॉर्ड चेक करें तो दोनों मैच अपना बुरी तरह हार के आ रही है। तो उम्मीद है कि यह मैच जीतने की कोशिश करें। तो दोनों के बीच में मैच काफ़ी इंटरेस्टिंग, काफ़ी ज़बरदस्त होगा, तो आप लोग जरूर देखिएगा। अब आगे बढ़ते हैं, स्पेक्टेटर के विकेट बॉलर्स के फेवर में रहेंगे, वहीं बैटर्स स्ट्रगल करेंगे वेरिएबल बाउंस पे। अब चलते हैं फैन दोनों टीमों की प्लेयर्स की बात करते हैं। तो पहली टीम नेलाई रॉयल किंग्स के की प्लेयर की बात करें तो जहाँ पे की प्लेयर हो सकते हैं अरुण कार्तिक, सोनू यादव, संदीप वॉरियर, नीतीश राजगोपाल। वहीं दूसरी टीम अगर आई ड्रीम त्रिपुर के की प्लेयर की बात करें तो जहाँ पे जगदीशन, एस चतुर्वेदी, तुषार रहेजा, विजय शंकर, राजेंद्रन विवेक। तो ये हैं दोनों टीमों की प्लेयर जो आज के मैच में काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस कर सकते हैं। तो फाइनली अब आगे बढ़ते हैं, चलते हैं विनर के। देखा जाए तो स्टैटिक्स को मद्देनजर रखते हुए नेलाई रॉयल किंग्स हमारे हिसाब से स्ट्रॉन्ग टीम है और मैच जीतने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा रखता है। तो आप लोग क्या लगता है, अपने व्यू को कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन कीजिएगा। और जाने से पहले दोस्तों, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। बने रहिए हमारे चैनल के साथ। ओके गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।